हेलो दोस्तों, नमस्कार। गार्डनिंग गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेगोनिया प्लांट के बारे में। और ये जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे दरअसल बेगोनिया मैसोनियाना का प्लांट कहा जाता है। ये प्लांट दरअसल एक बहुत ही बेगोनिया की रेयर वेराइटी है और ये प्लांट दरअसल साउदर्न चाइना और वियतनाम में पाया जाता है। ये प्लांट काफ़ी रेयर होता है और इस प्लांट को आपको इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इस प्लांट के कंप्लीट केयर और प्रोपगेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को इस तरह के वीडियोस के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेगोनिया की किसी भी वैरायटी की, तो यहाँ आप देख सकते हैं बेगोनिया की कई सारी वैरायटीज़ होती है और रियलिटी में बेगोनिया की करीब 55 वैरायटीज़ अभी तक डिस्कवर की गई है। मगर अभी आप जो बेगोनिया का प्लांट्स अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसकी अलग अलग वैरायटीज़ है, मगर इसकी सभी वैरायटीज़ को करीब करीब एक ही तरह से केयरिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले दोस्तों, आपको बेगोनिया के प्लांट को आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप इसे जहाँ भी लगाए या फिर जहाँ भी प्लेस करें, वो प्लांट का जो एरिया है वो पार्शियल शेड होना चाहिए और वहाँ पर डायरेक्ट धूप या फिर सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर सकता और उससे इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों इस प्लांट की, तो इसके जो सॉइल है आपको उसका खास ध्यान रखना होगा कि जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, ताकि इस पर जब आप वॉटरिंग करें तो पानी जो है इसके रूट्स पर जमना या फिर स्थिर नहीं होना चाहिए। पानी इजीली मूव आउट करके पॉट से बाहर निकल जाना चाहिए। बाकी ये प्लांट को दरअसल इस तरह का एरिया या फिर रीजन पसंद है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये प्लांट दरअसल एक फ्लावरिंग प्लांट है और बेगोनिया की करीब करीब सभी स्पीसीज़ और वैरायटीज़ में फ्लावरिंग होती है, मगर फ्लावरिंग जो होती है वो काफ़ी हेवी से लेके मॉडरेट फ्लावरिंग तक होती है। आप स्क्रीन पर ये प्लांट देख सकते हैं। बाकी अगर इस प्लांट की बात की जाए तो आप इस प्लांट को इसके लीव से, सीड से, कटिंग से, किसी भी तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आपको बेगोनिया प्लांट के प्रोपगेशन पर भी वीडियो चाहिए कि आप इसे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। दोस्तों, ये प्लांट अगर आपको कहीं भी मिले तो आप इसे घर पे प्लेस कर सकते हैं एज ए हैंगिंग प्लांट भी, और ये प्लांट काफ़ी एक रेयर वेराइटी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक छोटे से वीडियो में आपको सभी प्लांट के बारे में आइडिया मिल गई होगी। अगर आप दोस्तों प्लांट्स बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ प्लांट होलसेल रेट पे बहुत कम प्राइस में मिलते हैं और फ्री डिलीवरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।